Assalamu alaikum viewers, I am Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we have started the course of Flutter app development, and today we have to learn how we can create Flutter app to capture photos or pictures and then take camera preview on your Android device. मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप इसको बताऊंगी किस तरह से आप एंड्रॉइड स्टूडियो में इस ऐप को जो कि आपकी पिक्चर्स ले और कैमरा प्रीव्यू शो करे आपकी एंड्रॉइड डिवाइस पर. हम फिजिकल डिवाइस यूज करेंगे इसके लिए, तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल कैमरा कंट्रोल जो है फ्लटर में किस तरह से यूज किया जाता है. फ्लटर अप्रोच जो है वो है जो फ्लटर अलाउ एक्सेस टू नेटिव डिवाइस फंक्शनैलिटीज लाइक द कैमरा यूजिंग पैकेज. प्लगइन्स वगैरह यूज होते हैं कैमरा के, यहाँ पर हम जो है वो कैमरा पैकेज यूज करेंगे. और यहाँ पर हम जो कैमरा पैकेज यूज करेंगे वो क्या क्या कैपेबिलिटीज या वो फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करता है, उसमें आप फोटोज कैप्चर कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, कैमरा प्रीव्यू होगा, कंट्रोल ओवर कैमरा सेटिंग. आप लोगों ने देखा होगा अपनी डिवाइस पर कि सारी फंक्शनैलिटीज आपका जो कैमरा है वो प्रोवाइड कर रहा होता है. अब यहाँ पर सेटअप करना है, हमने जो अपना कोड है उसको किस तरह से सेट कर सकते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करवाऊंगी मैं आप लोगों को. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, एडिंग द कैमरा पैकेज. कैमरा पैकेज अपनी एप्लीकेशन बनाने के लिए जो कि कैप्चर करती है आपकी पिक्चर्स, उसके लिए कैमरा पैकेज आपने ऐड करना होता है. अब कैमरा पैकेज कहाँ करते हैं आप, यहाँ पर ये जो फाइल है आपके पास, एंड्रॉइड स्टूडियो पर ले चलती हूँ. यहाँ पर आप लोग देखेंगे आपको यहाँ पर ये फाइल आपको दिख रही है, इस फाइल को जस्ट आपने क्लिक करना है. यहाँ पर आप, यहाँ पर हम मिनिमाइज कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाओ. ठीक है, डिपेंडेंसीज आप लोग देखेंगे, यहाँ पर आपको डिपेंडेंसीज की जो लाइन है वो दिख रही है. ठीक है, आपकी जो डिपेंडेंसीज वगैरह जो भी ऐड करनी है, गूगल एपीआई वगैरह हैं या फिर कैमरा की हैं, जो भी डिपेंडेंसीज वगैरह हैं वो आप डार्क प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फ्लटर की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप अपनी जो डिपेंडेंसीज वगैरह है वो ऐड करते हैं. हम आज तो कैमरा की पढ़े हैं, कल हम गूगल जो मैप्स हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे. तो इस फाइल में जाना है, यहाँ पर आपने जो है अपनी डिपेंडेंसीज ऐड करनी है और किस तरह से करनी है यहाँ पर जस्ट मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ. जस्ट ये आपकी जो है, मैंने यहाँ पर कैमरा की जो डिपेंडेंसीज हैं वो आपको मिल जाती हैं. ठीक है, फ्लटर की ऑफिशियल वेबसाइट से भी मिल जाएंगी, आप लोग ले भी सकते हैं. अब यहाँ पर देखें वर्जन जो भी है आप पैकेज जो है कैमरा का वो एड करेंगे और परमिशन हैंडलर आप यहाँ यूज करेंगे रिप्लेस विद द लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल, यानी परमिशन. क्योंकि अगर आपके पास परमिशन है अलाउ करते हैं कैमरा को एक्सेस, आपने देखा होगा जब भी कोई भी एप्लीकेशन आप रन कर रहे होते तो आपसे एक्सेस की परमिशन मांग रहा होता है कि परमिशन है कि मैं इसे अलाउ करती हूँ कि आपके जो है फोन में कैमरा को एक्सेस कर पाए. तो इस टाइप की परमिशन हम हैंडलर भी ऐड करते हैं. यहाँ पर आप एग्जैक्ट वर्जन भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप ये जो हेड का साइन आपको दिख रहा है, हेड का साइन ये है कि हम जो भी इसे कंपेटिबल जो भी वर्जन होगी वो ले लेगा, क्योंकि इसके बाद हमने रन करना है फ्लटर पप गेट जो है कमांड करेंगे ताकि जो भी पैकेजेस रेलिवेंट पैकेजेस है वो उसको डाउनलोड इंस्टॉल कर ले. जस्ट मैं इसे क्या करूंगी, यहाँ पर इतनी सी परमिशन है और यहाँ पर इन दोनों पैकेजेस को डिपेंडेंसीज को मैं यहाँ से कॉपी करने लगी हूँ. कंट्रोल सी कर लें या जस्ट इतना है. अच्छा जी, आपने इंडेंटेशन का ख्याल रखना है. इंडेंटेशन का क्या है, देखिए फ्लटर के नीचे कैमरा और परमिशन हैंडलर जो भी डिपेंडेंसीज आप एड करेंगे चाहे वो गूगल मैप की हो जिसकी भी हो, तो देखिये फ्लटर के नीचे आ रहे हैं. तो अगर आप सेंसिटिव टू इंडेंटेशन एंड इम्प्रॉपर इंडेंटेशन कैन लीड टू एरर्स. अब अगर आप इस इंडेंटेशन का ख्याल नहीं करते तो आपको क्या है एरर्स फेस करने पड़ सकते हैं. यहाँ पर जस्ट मैं इसको क्या करी हूँ, एंटर किया टू टाइम्स ताकि थोड़ा सा दूर करके करूँ तो पता चल जाए मुझे. यहाँ देखें एरर्स आ रहे हैं, देख रहे हैं अंडरलाइन हो गया. ठीक है, तो जस्ट मैं क्या करूंगी इसे यहाँ पर, ये देखिए लोड हो रहा है, अभी बाद में हम इसको चलाते हैं. ये आ जाओ फ्लटर के नीचे, ठीक है, और यहाँ पर आ जाओ फ्लटर के, देखें एरर खत्म हो गया. यहाँ पर आप अपनी फाइल में जाकर, ठीक है, आप इसमें कहाँ कहाँ जाना है फाइल में, और यहाँ आ जाओ आपने टूल्स में अगर जाएं तो यहाँ पर टूल्स में आपको फ्लटर दिख रहा है. ठीक है, फ्लटर में जाकर आप यहाँ पर फ्लटर पब जो है
गेट की कमांड यहाँ से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यहाँ से पब अपग्रेड की भी कर सकते हैं। फ्लटर क्लीन करना है यहाँ पर आपकी होती है, ठीक है, फाइल में टूल्स में और यहाँ पर लास्ट में फ्लटर में। उसके बाद जो भी कमांड्स आप लोगों ने गेटिंग स्टार्टेड, फ्लटर अपग्रेड या फ्लटर डॉक्टर, जो भी कमांड्स एग्जीक्यूट करवानी आप यहाँ से कर सकते हैं। नहीं तो आप ऊपर जरा देखें, टॉप पर आपको पब गेट, पब अपग्रेड, आउटडेटेड और फ्लटर डॉक्टर। फ्लटर डॉक्टर ये होता है कि आपको ये दिखा देता है कि क्या क्या रेलिवेंट चीज आपके पास अवेलेबल नहीं है जो आपने डाउनलोड या इंस्टॉल करनी है। तो हमने क्या करना है, पब गेट यानी इंस्टॉल रेफरेंस पैकेजेस, यानी अब मैंने इसे डाल तो दिया, यानी पेस्ट तो कर दिया है, लेकिन अपने जो प्रोग्राम है यानी एप्लीकेशन है उसमें इसको इंक्लूड करवाने के लिए, यानी पैकेजेस वगैरह डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए मुझे इसको रन करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी रिजॉल्विंग डिपेंडेंसीज, जो भी रेलिवेंट डिपेंडेंसीज होंगी, अब यहाँ पर देखें मैंने एरो ये हो जाए, मैं आप लोगों को आगे दिखा देती हूँ। हेड यूज किया है, अब हेड यूज किया है, जो भी इसका रेलिवेंट कंपेटिबल जो भी डिपेंडेंसीज होगी वो खुद ही ले लेगा। अगर आप हेड यूज नहीं करते तो आप एग्जैक्ट जो भी डिपेंडेंसीज वगैरह यूज करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। आपने जो परमिशन ऐड करनी है वो जैसे एंड्रॉइड मैनिफेस्ट में जब हम जावा के साथ करते होते थे, फ्लटर यूज नहीं कर रहे थे, एंड्रॉइड एप्स डेवलप करते थे, जब मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट किया था, तो हम एंड्रॉइड मैनिफेस्ट की जो फाइल थी उसके अंदर अपनी परमिशंस ऐड करते थे। सेम उसी तरह से यहाँ एंड्रॉइड के फोल्डर में, ऐप के फोल्डर में, SRC मेन में और एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट XML की जो फाइल है उसमें आपने कैमरा यूज करने की परमिशन लेनी है, जो कि आपको अलाउ करेगी कि आप कैमरा यूज कर पाए। तो ये इस तरह से आपने कहां पर ऐड करनी है, जस्ट टॉप पर, यानी इसके बाद ही आपने जस्ट ये टू लाइंस ऐड कर देनी है। टू लाइंस नहीं, एक ही लाइन है, मैंने जस्ट इसको कमेंट किया है ताकि ये बताने के लिए कि किस तरह से यूज हो सकती है। जस्ट आपने इसको कॉपी करना है और वहां पर पेस्ट कर देना है। तो हम क्या करते हैं, जस्ट इसको लेते हैं और यहाँ पर Ctrl+C कर दें या राइट क्लिक करके कॉपी कर दें। हम अपना जो पैकेजेस वगैरह हैं वो भी देख लेते हैं। अच्छा जी, हमने पब गेट की जो है वो कमांड रन की थी, तो डाउनलोडिंग पैकेजेस, इंटरनेट का होना इसके लिए ज़रूरी है। अगर इंटरनेट ऑफ होगा देन आप के जो पैकेजेस हैं ऑब्वियसली वो डाउनलोड नहीं होंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर कैमराज के जो भी पैकेजेस अवेलेबल और डाउनलोड हुए हैं यहाँ पर देख लो ये सारी, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये सारी जो परमिशंस वगैरह, हैंडलर वगैरह अवेलेबल, और उसने ये सारा कर दिया है। तो आप इसको अगर करना चाहते हैं, दे चेंज्ड 17 डिपेंडेंसीज, 17 पैकेजेस हैव न्यूअर वर्जन्स इन कंपेटिबल विद डिपेंडेंसी कॉन्स्टेंट्स ड्राइव फ्लटर पब आउटडेटेड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो हम अपग्रेड की बात की है, आउटडेटेड को भी कर देते हैं, ठीक है। जो भी रेलिवेंट इसकी न्यू वर्जन ऑफ फ्लटर इज अवेलेबल टू अपडेट टू द लेटेस्ट वर्जन रन, अब अपग्रेड को छोड़ देते हैं हम, ठीक है। बाकी जो है आउटडेटेड थी वो सारे पैकेजेस वगैरह हैं वो सारे हो जाते हैं, ठीक है। ये खुद ही 3 डिपेंडेंसीज आर कॉन्स्टेंट वर्जन दैट आर ओल्डर देन अ रिजॉल्विंग, बस जो हमारी डिपेंडेंसी थी वो हमें मिल गई। हमने क्या करना है, यहाँ पर जाना है एंड्रॉयड का जो फोल्डर है, यहाँ पर अगर आप देखें एंड्रॉइड में आपने ऐप में जाना है और SRC में जाना है, मेन में जाना है, और मेन में जाकर यहाँ पर एंड्रॉइड मैनिफेस्ट की जो फाइल है उसमें जो है वो परमिशन ऐड करनी है। यहाँ पर आ जाओ, जस्ट आप इसे एंटर करें और यहाँ पर Ctrl+V कर दें और Ctrl+S कर दें, ठीक है। आपने यहाँ पर कर दी परमिशन ऐड और ऑपरेशन फॉर एडिटिंग, नहीं भाई हमें नहीं चाहिए, ठीक है, यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट हमारा जो काम है, हमने परमिशन भी ऐड कर दी है और उसके बाद नेक्स्ट हमारा है ये क्या, अलाउ द ऐप टू एक्सेस द कैमरा, ठीक है, हमने बता दिया। नेक्स्ट हमारी बात आती है मेन डॉट डार्ट कोड में, इसमें हम पैकेजेस, एक मटेरियल डार्ट जो है वो तो बिल्ट इन आ रहा होता है, जो पैकेज है वो इम्पोर्ट ही होता है, आपको इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, ये 3 पैकेजेस हैं जो आपको इंपोर्ट करने की ज़रूरत है। फर्स्ट वन इज सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग फीचर्स यूज़ करने के लिए, कि अगर आप लोगों ने डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तो ये कोड आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, क्योंकि फ्लटर में अगर ऐप डेवलपमेंट करना चाहते हैं, इंटरफेस डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो आप लोगों को क्या करना होगा, डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से पढ़नी होगी। ये सिंक के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, यहाँ पर फ्यूचर यूज़ हो रहा है उसके बारे में बता चुकी हूँ, फंक्शंस यूज़ हो रहे हैं उसके बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इन सारी चीज़ें आप लोगों को डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही मिलेंगी इजीली, अगर समझना चाहते हैं तो। यहाँ सिंक प्रोग्रामिंग फीचर्स यूज़ करने के लिए डार्ट सिंक जो पैकेज है वो इंपोर्ट करवाया, इनपुट आउटपुट, बिकॉज हम पिक्चर्स जो ले रहे हैं इनपुट आउटपुट के फीचर में आता है,
और साथ कैमरा यूज कर रहे हैं, तो उसने कैमरा का पैकेज इंपोर्ट करवाया है और यहाँ पर फ्यूचर यूज किया है। फ्यूचर के बारे में मैं डिटेल में कोड एग्जांपल ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। अगर सिंपली अगर यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज कर ले, मैंने कहा था कि फ्यूचर में क्या होता है कि अगर आपकी सपोज करें आपकी ऐप एक इनिशियलाइज हो रही है, थोड़ा सा टाइम ले रही है, आपने लोडिंग होते हुए या थोड़ा सा टाइम लेते हुए देखा होगा, तो ये हम एक तरह से वादा कर रहे होते हैं कि थोड़ा टाइम ले रही है, कुछ टाइम लग रहा है अभी ये आपकी ऐप या कोई भी फीचर अवेलेबल नहीं है अभी तक, लेकिन बाद में जरूर अवेलेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एसिंक फीचर, वही एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का फीचर यूज करने के लिए यहाँ पर हम इंश्योर करवा रहे हैं कि आपकी जो ऐप है, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने इसे कमेंट किया है, दैट प्लगइन सर्विसेज आर इनिशियलाइज्ड सो दैट अवेलेबल कैमरा कैन बी कॉल्ड बिफोर रन ऐप, यानी पहले आपका कैमरा अवेलेबल होगा, देन जाके आप पिक्चर ही लोगे ना। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ गया। फिर हमने क्या किया है, ये जो अवेलेबल कैमरा का जो मेथड है वो यूज कर रहे हैं। कैमरा जो है एक तरह से वेरिएबल के तौर पे यूज हो रहा है, इसके अंदर जो भी लिस्ट आपके मोबाइल में कैमराज की अवेलेबल है वो सारी लिस्ट इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। फिर हम उस लिस्ट में से एक स्पेसिफिक कैमरा लेना चाह रहे हैं। अब कैमरा जो ले रहे हैं हम, यहाँ ले रहे हैं कैमरा डॉट फर्स्ट, यानी जितने भी कैमराज आपकी एंड्रॉइड डिवाइस में अवेलेबल है उसमें से फर्स्ट जो कैमरा है वो ले रहे हैं। ठीक है, वही रन ऐप जो कि एंट्री पॉइंट है आपकी फ्लटर एप्लीकेशन का, मटेरियल ऐप जो कि बिल्ट इन थीम और फीचर वगैरह प्रोवाइड करता है, ये भी हम पहले विजिट्स पढ़ चुके हैं। थीम क्या होगा, डार्क ही रहेगा और टेक पिक्चर स्क्रीन यहाँ पर आपने क्या किया है कि होम प्रॉपर्टी जो है उसे एक सेट किया है टू एन इंस्टांस ऑफ टेक पिक्चर स्क्रीन को, क्योंकि हमने आगे इसको यूज करना है एज ग्लास। ठीक है, इसी को यूज करते हुए आगे हम काम करेंगे। हमारी जो होम स्क्रीन है ना, तो वो यही काम कर रही है ना कि पिक्चर्स ले रही है। ठीक है, तो कैमरा, अच्छा जी, अब पिक्चर तो ले रहे हैं किसके थ्रू, फर्स्ट कैमरा के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर वही क्लास यूज हो रही है और उसको स्टेटलेस विजिट के थ्रू एक्सटेंड करवाया है। ये भी मैं आप लोगों को फ्लटर ऐप डेवलपमेंट के कोर्स में स्टार्टिंग के लेक्चर में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि किस तरह से आप लोग इसको कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या था आपके पास, स्टेटफुल और स्टेटलेस विजिट। ठीक है, डिफरेंस प्रोमिनेंट था, यानी स्टेटफुल है यानी चेंजेस होगी, क्योंकि कैमरा से पिक्चर लोगे, प्रीव्यू देगा और इस तरह से। तो यहाँ पर कौन से टेक पिक्चर, आपने एक मेथड लिया है इनहेरिटेंस वगैरह, एनकैप्सुलेशन वगैरह ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, वो भी डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ये वही फीचर है डॉट की, यानी आपकी जो मेन क्लास है उसकी की ले रहा है, और रिक्वायर्ड कीवर्ड यूज किया है, यानी ये जो कैमरा है ये जरूर अवेलेबल होगा। ठीक है, और कैमरा की डिस्क्रिप्शन इस वेरिएबल में स्टोर होगी, कैमरा डिस्क्रिप्शन यहाँ कैमरा में, और टेक पिक्चर यहाँ पर वही स्टेट, ये जो हमारे पास टेक पिक्चर स्टेट है, वो जो ऑब्जेक्ट है इस क्लास का टेक पिक्चर स्क्रीन स्टेट का, वो कैमरा की स्टेट हमें पिक्चर की जो है वो स्क्रीन की वो रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पर टेक पिक्चर क्लास स्क्रीन जैसे हमने ऊपर किया था, सेम जैसे मेथड्स लेते हैं हमने ऊपर, ये देखें इंस्टांस के तौर पे लिया, यहाँ पर ये देखें टेक पिक्चर स्क्रीन ली, तो यहाँ पर ये वाला ले लिया। ठीक है, ये ले लिया। अब यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट के तौर पे किसको लिया है, यहाँ पर आप देख लो, यहाँ एक तरह से ये है क्रिएट स्टेट, यानी इसकी स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए है टेक पिक्चर स्क्रीन स्टेट, तो वही पिक्चर स्क्रीन स्टेट उसे लिया और एक्सटेंड करवा रहे हैं टेक पिक्चर स्क्रीन, यानी पिक्चर जो है आपकी स्क्रीन पर जो शो होगी उसके लिए कंट्रोलर हम इनिशियलाइज करवा रहे हैं। अब इनिशियलाइज नहीं, डिक्लेयर करवा रहे हैं। यहाँ लेट जो है, लेट वेरिएबल्स के बारे में भी पढ़ा था। लेट वेरिएबल्स में क्या होता था कि हम कह रहे होते थे कि अभी हम इसे इनिशियलाइज नहीं करवा रहे, बट इन फ्यूचर ये जरूर इनिशियलाइज करवाएंगे, फर्स्ट टाइम जब भी इसे हम एक्सेस करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, लेट, और लेट क्या है, फ्यूचर को डिक्लेयर करवाया यहाँ इनिशियलाइज कंट्रोलर, और इनिट यानी इनिशियल जो स्टेट है वो आपके पास होगी, जो कि आपकी करंट आउटपुट फ्रॉम द कैमरा जो है वो शो करेगी। यहाँ पर हमने क्या है, कैमरा कंट्रोलर जो है आपको जो शो होगा वो यहाँ पर किया है, और गेट द स्पेसिफिक कैमरा फ्रॉम द लिस्ट अवेलेबल, और ये विजिट जो है डॉट कैमरा जो है आपकी जो लिस्ट है, हमने कहा था कि कैमरा में अवेलेबल है उसमें से कैमरा को एक्सेस करेगा, और यहाँ पर रेजोल्यूशन हमने स्पेसिफाई की है, रेजोल्यूशन इसकी मीडियम होगी, और नेक्स्ट हमने इनिशियलाइज करवाया है कंट्रोलर को, जो कि फ्यूचर रिटर्न करेगा, यानी स्निपिंग। एक तरह से आपने देखा होगा कि अगर कैमरा अवेलेबल नहीं है, कोई ऐप अवेलेबल नहीं होती, तो आपने देखा होगा स्निपिंग स्पिनिंग वगैरह हो रही होती है, या लोडिंग का आपको दिखाई दे रहा होता है,
तरह के जो फीचर्स हैं ये यहाँ पर भी हो सकते हैं। अब डिस्पोज जो है ऑफ द कंट्रोलर व्हेन द विजेट इज डिस्पोज्ड, जब विजेट डिस्पोज हो जाएगा तो आप इस मेथड को कॉल करेंगे, यानी कंट्रोलर भी डिस्पोज हो जाएगा। उसके बाद स्कैफोल्ड यूज किया है, स्कैफोल्ड बिल्डर जो मेथड है उसको ओवरराइड करवाया, ये भी पहले पढ़ चुके हैं। स्कैफोल्ड भी पढ़ चुके हैं, ऐप बार भी पढ़ चुके हैं, उसमें टेक्स्ट क्या होगा जो ऊपर आपको दिखाई देगा ऐप बार पर टाइटल, वो क्या होगा, टेक अ पिक्चर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से वही फ्यूचर मेथड इनिशियलाइजेशन, और यहाँ कंट्रोलर इनिशियलाइज करवा रहे हैं, जो कंट्रोलर हैज फिनिश्ड इनिशियली अगर हो जाता है, यानी स्नैपशॉट जो है उसका कनेक्शन स्टेट अगर डन है तो क्या होगा, इफ द फ्यूचर इज कंप्लीट डिस्प्ले द प्रीव्यू, यानी आपकी पिक्चर अगर ले ली गई है, यानी पिक्चर कंप्लीटली आपने बटन क्लिक किया आपकी पिक्चर आ गई। ठीक है, पिक्चर लेने के बाद आपके कैमरे का वो जो प्रीव्यू है वो कंट्रोलर दिखाएगा। ठीक है, और सेंटर में उसका जो काम वो सेंटर में होगा, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर आपको दिखाई देगा जो कि लोडिंग इंडिकेटर शो करेगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कोई चीज लोड हो रही होती है तो आपको दिखाई देता है। इसी तरह से फ्लोटिंग एक्शन बटन एक है, जैसे कि हम प्रेस करने पर सिंक्रोनस फंक्शन जो कि आपकी पिक्चर लेगा। और ट्राई कैच ब्लॉक यानी एरर हैंडलिंग की बात की थी हमने डार्क प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अगेन रिपीट करी हुई ये बात, अगर आपको डार्क प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती तो ये चीजें समझना मुश्किल हो जाता है आप लोगों के लिए कि ये चीज क्या है ये, क्योंकि पहले डिटेल बता चुकी हूँ, अब मैं जस्ट इसका ओवरव्यू दे रही हूँ कि किस तरह से ये क्रिएट किया गया है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने ये ट्राई एंड कैच की बात करें, फाइनल की बात कर रहे हैं, ये मैं पहले डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोर्स में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। ठीक है, यहाँ पर ट्राई है, अगर इनिशियलाइज करवाते हैं कैमरा को इंश्योर करवा रहे हैं तो क्या होगा कि वेट करवाएगा टेक पिक्चर, ठीक है, अटेम्प्ट करेगा पिक्चर लेने और गेट फाइल इमेज लेगा और उसे सेव कर देगा। अगर तो माउंटेड रिटर्न इफ द पिक्चर वॉज टेकन एंड डिस्प्ले ऑन द न्यू स्क्रीन तो होगा, तो आपके पास क्या है, जो भी पाथ आप लोगों ने दिया होगा उसी पाथ पर इमेज डॉट पाथ यहाँ पर है, डिस्प्ले पिक्चर आपकी जाकर सेव हो जाएगी। कैच अगर कोई एरर आता है तो ई जो है एक्सेप्शन के लिए यूज होता है, इसको कैच करेगा और उसको क्या है आपको जो भी एरर है वो डिस्प्ले कर देगा। और यहाँ पर चाइल्ड में आपने आइकन है, आइकन कैमरा अल्ट जो है उसका आइकन आप लोगों को दिखेगा। और यहाँ पर डिस्प्ले लास्ट में आपने क्या करवानी है, पिक्चर को डिस्प्ले करवाना है और वो भी स्टेट लेस विजिट है, क्योंकि आपने एक बार पिक्चर ले ली है तो वो चेंज नहीं होगी। तो इमेज पाथ आपने यहाँ पर दिया है जहां पर आपने क्या है पिक्चर ली थी और जाकर सेव हुई थी, वहां पर आपको क्या है पिक्चर वहां से लेके आपको के है पिक्चर दिखाई देगी। ठीक है, यानी प्रीव्यू ले पाओगे। सेम बाकी वही आपके पास बिल्ड जो मेथड है उसको ओवरराइड करवाया है, और यहाँ पर डिस्प्ले पिक्चर जो कि हम इनहेरिटेंस जैसे हमने किया था, और इमेज पाथ यानी रिक्वायर्ड है, इमेज पाथ होना चाहिए, यानी कहीं ना कहीं स्टोर करवाई हो। अगर आपने कहीं पर पिक्चर स्टोर ही नहीं करवाई, सेव ही नहीं करवाई तो आपको कहाँ से लेकर देगा वो। ठीक है, तो रिक्वायर्ड में रिक्वायर्ड कीवर्ड है, ये रिक्वायर्ड है पाथ इमेज। और यहाँ पर वही बात, डिस्प्ले द पिक्चर आपके पास आ जाएगा और यहाँ पर जो भी पाथ होगा इमेज पाथ वो ले लेगा। अब जस्ट आपने क्या करना है, ये पूरा कोड लेना है और इस कोड को ना कॉपी करने लगी हूँ, और मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ कहाँ से आपको ये कोड इजीली अवेलेबल होगा। और जस्ट मैं इसे क्या कर रही हूँ, मेन डॉट डार्ट की फाइल में जा रही हूँ, कंट्रोल ए और कंट्रोल वी और जस्ट कंट्रोल एस कर रही हूँ। और इसके साथ साथ मैंने क्या करना है कि फिजिकल जो डिवाइस है उसको कनेक्ट करना है, आपकी आपको पता है यूएसबी फ्लैश, इसको कनेक्ट करें। ठीक है, यहाँ पर आप डिवाइस मैनेजर में जाएं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अलाउ करते हैं, यहाँ पर आपके पास हो गया, मैं इसे मिनिमाइज कर देती हूँ जस्ट यहाँ पर, और यहाँ पर क्लिक करें। ठीक है, हम इसे इसी तरह से ही कर देते हैं, यहाँ पर डिस्प्ले होती रहे, यहाँ पर डिस्प्ले हो गई। हम क्या करते हैं, अपनी ऐप को कर देते हैं यहाँ से रन, और ये यहाँ पर आपकी जो ऐप है वो रन हो जाएगी और थोड़ा सा टाइम लेगी, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन, जो सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को दिखा दूँ किस तरह से आप कैमरा का जो कोड है वो, ये तो मैंने आपको ईच एंड एवरीथिंग बता दी, तो आपको बिल्ट इन, क्योंकि फ्लटर में आप फ्लटर की अगर डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं तो यहाँ पर आपको जस्ट आपको क्या करना है, फ्लटर टाइप करना है,
और फ्लटर टाइप करते ही उसकी ऑफिशियल वेबसाइट बिल्ड एप्स फॉर एनी स्क्रीन साइज, यानी रिस्पॉन्सिव स्क्रीन साइज या डिफरेंट मल्टीपल स्क्रीन साइजेस के लिए आप फ्लटर ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं। डॉक में गए, डॉक में जाते ही यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर देखो सर्च बार में, वैसे मैंने डॉक्यूमेंटेशन में ये देखो यहाँ पर API डॉक्स, विजिट कैटलॉग और सैंपल्स और वीडियोस वगैरह, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन सारी गिवन है। मैं इसको सर्च करने लगी हूँ, जस्ट इसको करते हैं कैमरा, तो जस्ट इसको एंटर करो, ठीक है, कैमरा को सर्च किया तो टेक अ पिक्चर यूजिंग द कैमरा और क्रिएट अ फोटो फिल्टर कैरोसेल और फिल्टर फ्लटर शोकेस और शोकेस और इस तरह की यूजिंग पैकेजेस, ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास आ जाती हैं आपके जो भी रेलिवेंट है। ये देखिए यहाँ पर फर्दर पेजेस भी हैं और भी सर्चेज हैं और भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आप लोग ले सकते हैं। जस्ट मैं जो ले रही हूँ जस्ट पिक्चर वाला ले रही हूँ या कैमरा प्रीव्यू वगैरह है वो मुझे दिखाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये सारे पैकेजेस वगैरह जो भी मैंने आप लोगों को बताया, ये सारा कैमरा कंट्रोलर आपको दिख रहा होगा, कैमरा प्रीव्यू है, कैमरा कंट्रोलर इमेज है, विजेट आप यूज कर सकते हैं, रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज कैसे करनी है, जैसे हमने कैमरा ऐड किया उसके पाथ के लिए ये पाथ प्रोवाइडर भी कर सकते हैं, अगर आप सेटिंग्स वगैरह या फिर और भी वीडियो के लिए आप अपने कैमरा को यानी ऐप में फीचर ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर है पब ऐड टू ऐड द पैकेजेस एज डिपेंडेंसी, ये वाला आप कमांड रन करेंगे, ये देखिए देखिए स्ट्रिंग की आपको गिवन है और स्ट्रिंग्स गिवन है, ये सारी चीजें आप लोगों को गिवन है। और यहाँ पर देखें आप गेट द लिस्ट अवेलेबल कैमरास, जैसे मैंने आपको कोड का बताया ये सारा कोड अवेलेबल है, और इस तरह से आप नेक्स्ट गेट अ लिस्ट अवेलेबल कैमराज यूजिंग द कैमरा प्लगइन, जैसे हमने कैमरा प्लगइन ऊपर यूज किया सेम देखो वही कोड है, और यहाँ पर आ जाओ नेक्स्ट हमने यूज किया क्रिएट इनिशियलाइज द कैमरा कंट्रोलर और स्टेटफुल विजिट बनाया, स्टेट उसकी की फ्यूचर डाला, ठीक है, और यहाँ पर देखो इनिट स्टेट डाली, डिस्पोज की जो कोड था वो डाला, ये सारा देख रहे हैं कोड आप लोग, ठीक है, ये आपके पास ये सारा कोड अवेलेबल है, तो ये कोड आ गया। यूज अ कैमरा प्रीव्यू टू डिस्प्ले द कैमरा स्पीड, आप कैमरा प्रीव्यू ले सकते हैं यहाँ पर, ये सारी ऐप है, अपना कोड जो है टेक अ पिक्चर विद द कैमरा कंट्रोलर, जैसे हमने कैमरा कंट्रोलर का कोड यूज किया सारा, डिस्प्ले द पिक्चर विद एन इमेज विजिट और कॉम्प्लेक्स कंप्लीट एग्जांपल, ये कंप्लीट एग्जांपल है जो कि हम लोग कर सकते हैं, मैंने यही वाली कंप्लीट एग्जांपल की है कि आप लोगों को समझ आ जाए, और यहाँ पर आप लोग यही कोड एग्जांपल जो है मैंने यहीं पर पेस्ट की है, आप यहां से लेकर अपनी कोड जो एग्जांपल है वो ले सकते हैं, ठीक है, जस्ट मैंने इसे कॉपी किया है और अपने नोट्स में पेस्ट किया है, तो सेम वही कोड है जो आप लोगों को मैंने अभी बताया है, यहाँ पर इसकी ईच एंड एवरीथिंग बताई हुई है। अब ये फायदा है फ्लटर में आप लोगों को कोड जो स्निपेट्स हैं ये कोड पूरा का पूरा आप लोगों को मिल जाता है, जस्ट आप लोगों डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप चाहते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस वगैरह करना तो आप लोगों को क्या है कि डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है, ये तो आप लोगों को बताया गया कि किस तरह से क्रिएट करते हैं, अब आपने अपनी मर्जी से इसमें चेंजेस वगैरह करनी है तो वो आप इसमें कर सकते हैं। चले हम देखते हैं कि हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो पर हमारी जो ऐप है वो रन कर चुकी है या नहीं। अच्छा जी, ये हमारी ऐप रन कर चुकी है और हमने क्या कहा था कि परमिशंस ऐड की थी, जैसे मैंने आपसे कहा था कि कोई भी ऐप यूज करते हैं कोई पिक्चर वगैरह लेनी हो या कॉन्टेक्स्ट वगैरह की एक्सेस चाहिए हो तो आपसे परमिशन लेती है, ये कोड भी था इसमें, तो आप देख रहे हैं अलाउ फ्लटर चैनल डेमो, क्योंकि हमारे जो प्रोजेक्ट का नेम है वो यही है, ये देख रहे हैं फ्लटर चैनल डेमो है, तो वो आप जो ऐप है वो क्या है परमिशन मांग रही है कि आप टेक पिक्चर्स एंड रिकॉर्ड वीडियो, अब ओनली दिस टाइम भी कर सकते हैं, व्हेन यूजिंग दिस ऐप डोंट अलाउ भी कर सकते हैं, सपोज करें मैं ओनली दिस टाइम ही कर देती हूँ, फिर ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए वो भी ओनली दिस टाइम करती हूँ, तो आप देखें इस तरह से आया है, यहाँ पर मैं एक पिक्चर लेने लगी हूँ, ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ठीक है, ये पिक्चर मैं जरा इसकी लाइट वगैरह बढ़ा देती हूँ, ये देखो ये पिक्चर आ गई, ठीक है, ये पिक्चर है, और मैं ये जो कैमरा वाला आइकन जो है यहाँ पर इसको क्लिक करती हूँ,
ठीक है, पिक्चर ले लिया मैंने। अब देखें ये पिक्चर का डिस्प्ले द पिक्चर ऊपर दिखा रहा है। अगेन बैक जाते हैं, देखें आपके पास ऊपर जो था हमने टाइटल बार पर जो था दिया था टेक अ पिक्चर। जब वो पिक्चर टेक कर रहा हो तो हमने कहा था कि ऊपर क्या राइट किया हुआ दिखाई दे, टेक अ पिक्चर। जैसे ही मैं इसको क्लिक किया और देखो यहाँ पर प्रीव्यू में आपको क्या दिखा रहा है ऐप बार पर, टाइटल जो है डिस्प्ले द पिक्चर। अभी जो हमने ऐप बनाई है वो जस्ट इसीलिए बनाई है कि ये देखें बैक जाते हैं, ठीक है, अगेन इसको करते हैं और यहाँ पर आपके पास पिक्चर आ गई और यहाँ पर जस्ट आप बैक जाते हैं, ठीक है, ये आपके पास एक क्लिक किया पिक्चर आ गई, पिक्चर आ गई है आपके पास और डिस्प्ले द पिक्चर यानी प्रीव्यू में जो नजर आ रहा है और जस्ट इसे बैक करते हैं। अभी जो हमने ऐप बनाई है वो बनाई है किस लिए, जस्ट पिक्चर लेने के लिए और उसका प्रीव्यू देखने के लिए। तो यहाँ पर ये रन कर चुकी है, ठीक है, ये इससे घबराना नहीं है, ये वैसे ही दे रहा होता है। अच्छा आपको एक और चीज यहाँ पर बता दे दूं, ये डिपेंडेंसीज जो हैं वो आप कहाँ से ले सकते हैं या कैसे पता चलेगा कि कौन सी डिपेंडेंसी आपने यूज करनी है। आपने वही बात जहाँ मैंने आप लोगों को बताया था, जस्ट फ्लटर आप सर्च करें, बल्कि यहाँ पर फ्लटर नहीं, यहाँ पर पॉप डेव को सर्च करेंगे, ठीक है, यहाँ पर डेव फ्लटर और इसको सर्च करते ही आपके पास यहाँ पर पब डॉट डेव का जो ऑप्शन है वो आ जाता है। यहाँ पैकेजेस आप लोग सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर डार्ट के पैकेजेस करने हैं तो डार्ट के कर लें, अदरवाइज फ्लटर के कर सकते हैं। यहाँ मुझे कैमरा चाहिए और कैमरा का जो है वो पैकेज चाहिए तो जस्ट यहाँ पर देखिए सर्विसेज हैं, कैमराज हैं, जो भी आपके रिक्वायर्ड पैकेजेस आप लोग चाहते हैं यहाँ से आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पर मुझे जस्ट कैमरा का चाहिए और कैमरा में यहाँ पर वैसे कैमरा प्लगइन भी राइट किए हुए हैं कि किसके लिए क्या यूज करना है और वही कोड और इंस्ट्रक्शंस भी सारी दी हुई हैं, ये जो मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगी। और नेक्स्ट आप इधर आ जाएं इंस्टॉलिंग पर और यहाँ पर जस्ट आप लोग इंस्टॉलिंग पर आए तो यहाँ पर आपको बताया हुआ है रन दिस कमांड विद फ्लटर, फ्लटर पब एड कैमरा या फिर दिस विल एड अ लाइन। यहाँ पर आप लोग डिपेंडेंसी में आप ये जो कैमरा की डिपेंडेंसी है वो जस्ट आप इसको कंट्रोल सी और वहां जाकर कंट्रोल वी भी कर सकते हैं, ठीक है, कैमरा की डिपेंडेंसी वगैरह जो ऐड करनी है आप कर सकते हैं अपने कोड में। लेकिन मैंने कहा था कि इसका ख्याल रखना है कि इंडेंटेशन आपकी आनी चाहिए फ्लटर के नीचे और यहां पर जस्ट आप लोगों ने पेस्ट करनी है, तो वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। मैंने ये रन कर लिया है कोड और इसको अगेन अगर हम रन करके देखें तो यहाँ पर क्योंकि हम जब भी अपनी परमिशंस वगैरह ऐड करते हैं और उसमें क्या होता है कि हमें यहाँ पर डिपेंडेंसीज ऐड करनी होती है। नेक्स्ट बाकी सेम कोड रहेगा एंड्रॉइड मैनिफेस्ट की जो फाइल है उसमें हमने परमिशन ऐड की हुई है कैमरा को अलाउ करने की और यहाँ पर देखें जस्ट हमने ये कैमरा की डिपेंडेंसी जो है वो ऐड कर दी है। मेन डॉट का जो कोड है वो भी मैं इस रहने दे रही हूँ और यहाँ पर मैंने जो कमांड रन की थी वो आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर पैकेजेस वगैरह थे वही आउटडेटेड वगैरह का आ रहा है, जस्ट हमारे जो पैकेजेस वगैरह जरूरत थे वो हो गए हैं तो जस्ट मैं इसको रन करूंगी। जैसा कि मैंने इसे अगेन रन किया है तो उसी तरह से आपसे परमिशन मांग रहा है कि रिकॉर्ड करना है और पिक्चर लेनी है, सेम उसी तरह से आपको पिक्चर भी दिखाई देगी। मैं जस्ट आप लोगों को ये दिखाना चाह रही थी किस तरह से आप लोग पिक्चर्स ले सकते हैं। डिपेंडेंसी मैंने वो 9 वाली यूज की थी और देखें ये का पिक्चर और डिस्प्ले आ पिक्चर, ठीक है। तो ये हमारी रन हो चुकी है ऐप और मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि किस तरह से इसे यूज कर सकते हैं। आप और भी फंक्शनैलिटीज वगैरह है, वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह की है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। आज हमने जस्ट फीचर यूज किया कि किस तरह से आप वीडियो जो है वो कैप्चर कर सकते हैं और उसका प्रीव्यू ले सकते हैं। यहाँ पर सारी जो है एक्सप्लेनेशन वगैरह कोड की गिवन है। आप लोग नोट्स चाहें तो नोट्स ले सकते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स के नोट्स या डिफरेंट सब्जेक्ट्स के नोट्स जो आप लोगों के ने देखे हैं मेरे चैनल पर अपलोडेड है उसके नोट्स अवेलेबल हैं, बट नोट्स होते हैं पेड। सो वी हैव कम्प्लीटेड आवर टुडेज लेक्चर हियर। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।